जय हिंद जय भारत। मैं जितेंद्र कुमार, आपका दोस्त यार, आपका सहपाठी, एक भारत का नागरिक। मैं कुछ दिनों से न्यूज़ देख रहा हूँ इस अग्निपथ स्कीम और बोल लो अग्निपथ योजनाओं के बारे में। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि देशवासियों को हुआ क्या है और इन नौजवानों को हुआ क्या है। आखिर वो इस तरीके से जो दंगे करते हैं, इस तरीके से जो अपने देश के चीज़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, अपने चीज़ों को, देश का नहीं, वो उनके खुद के चीज़ है जो उनके निजी जीवन में हर लोगों के, हम हर भारतीयवासी के निजी जीवन का उपयोग का चीज़ है। उस को नुकसान पहुंचा करके उन्हें क्या ही मिलता है। जो स्कीम निकली है उसे एक बार पढ़े खुद से, किसी के भड़काओ भाषण में ना सुने। ये सारे चीज़ें लोग जो भड़काने वाले हैं उनका काम है, वो कभी फ्रंट में नहीं आते, वो आपका करियर बर्बाद कर रहे हैं। मेरा आग्रह है सारे अपने जैसे नौजवानों के लिए, जो मेरे जैसे सहपाठी भी है, मेरे सहपाठी हुए, मेरे हम ग्रुप के लोग हुए, तो ऐसे हरकतों से उनका कोई होना नहीं है, भला कुछ भी नहीं होना है, किसी का कोई भला नहीं होना। कोई चाहते भी हैं कुछ करना लाइफ में तो उनके साथ में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। और ये वो लोग हैं, मुझे जहाँ तक लगता है ये वो लोग हैं जो निकम्मे ठहरे, जो घर पे अपने घर वालों के ऊपर में जस्ट एक नाम का सरकारी जॉब, ये सरकारी जॉब करना क्या है भाई, करना क्या है आपको सरकारी जॉब का। आप कैपेबल हो जॉब करने के लायक, आप मेहनत करना है, आप चाहे सरकारी जॉब हो चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, आपको मेहनत करना है। अगर मेहनत आप कहीं भी करोगे कहीं भी अर्न कर सकते हो, क्यों फिर भाई, क्यों सरकारी जॉब में क्या रखा है, क्यों परदादा दादा से और पिताजी से सुनते थे कि भाई वहाँ सरकारी जॉब में जा करके काम चोरी करने मिलता है और आप जा करके कुछ से कुछ कर सकते हो, टाइम पास कर सकते हो, अपना जीवन का टाइम पास कर सकते हो और आपको पैसे मिलते रहेंगे मंथली टू मंथली। हाँ यही रह गया है क्या भाई, अगर इतना ही एजुकेटेड हो, इतना ही सारे चीज़ें हैं तो फिर भाई अपने पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत करो ना भाई, मेहनत करके अर्न करो ना। ये क्या आप जाते हो, आप ही सरकार में जाते हो, सरकारी नौकर बनते हो और आप ही घुसखोरी करते हो, हम और आप ही जैसे लोग बैठ करके वहाँ पे घुसखोरी करते हो और नाम लगता है सरकार का। वहाँ पे तो आ करके कोई पीएम और कोई सीएम और कोई प्राइम मिनिस्टर या फिर आपका प्रेसिडेंट आ करके घुस तो लेने नहीं आता, आप और जैसे हम जैसे नागरिक ही होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रखो खुद को अगर चाहते हो। और रही बात अग्निवीर बनने की, अगर बहुत इच्छा ही है आपको अग्निवीर बनने की, तो पहला तो सबसे पहला काम ये होता है आर्मी में के लोगों के लिए कि आप अनुशासन, आर्मी का सबसे पहला रूल है अनुशासन। अगर आपके पास डिसिप्लिन ही नहीं है तो आप किस बेसिस पे आप सोचते हो कि आप आर्मी के लायक हो। और जो ऐसे हरकतें कर रहे वो कभी जिंदगी में आर्मी के लायक हो ही नहीं सकते, वो देश की क्या रक्षा करेंगे, जब देश को उजाड़ने पे वही लगे हुए, तो देश की रक्षा करने के लिए कैसे ही उम्मीद कर सकते हैं इन जैसे लोगों के। मेरा दरख्वास्त है सारे इन नौजवानों से, प्लीज़ ऐसे गतिविधियों में ना फंसे, और जो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं सबसे पहले उनको ही जड़ से उखाड़ा जाए। उनका काम ही वही है। हम क्यों फंसे उनके चक्कर में भाई, हम क्यों फंसे उनके चक्कर में। प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि देश पे ना नुकसान पहुंचाओ, अपनी बातों को एक तरीके से प्रेजेंट करो। प्रेजेंट करने का होता है एक कि आप प्रेजेंट कर सकते हो, बट एक तरीके से आप प्रेजेंट करो तो उसका एक मायने अलग होता है। बट ये चीज़ क्या है कि आप दूसरे के चीज़ अपने चीज़ों को नुकसान कर रहे हो। आपको सरकार ने किसी चीज़ को दिया तो आपको देखभाल करना आपका जिम्मेदारी है ना। वो तो सरकार आ करके नहीं उसको अब झाड़ू पोछा और साफ़ सफाई रखेंगे, इवन साफ़ सफाई से लेकर के हर चीज़ ख्याल रखना उसका आपका कर्तव्य है।
क्योंकि उसको यूज़ करने के लिए आपको दिया गया है, ना कि सरकार आकर के वहाँ से प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट आकर के जो तुरंत से कोई क्लेम दे देता है कि इसमें सरकार की दोष है, इसमें उसकी दोष है। तो गलती आपकी है, मानो ना मानो गलती आपकी है, इसका रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। सिपाही हमारे और आर्मी वाले हमारे रक्षा कर रहे हैं, ना कि हमारे हमें घर से उजार रहे हैं, हमारे चीज़ों को नुकसान पहुंचा रहे। अगर चीज़ों को नुकसान पहुंचाने वाले सिपाही बनने लग गए तो हो गया, हमारे देश का यही हाल हो गया। सो बहुत गुजारिश है, अगर चीज़ों में कुछ इम्प्लीमेंट लाना है तो उसके लिए एक सही तरीक़ा से आप अपनी बात को रखो और सही तरीके से अपनी बात को आगे तक पहुँचाओ। एक तरीका ऐसा हो सकता है। बात बाकी बहुत अच्छी योजना है, इसको पढ़ो और र्यूमर ना फैलाओ। र्यूमर से ही हमारे देश में ना इतने उथल पुथल हुए पड़े हुए हैं। र्यूमर ख़राब कर रही है सारे चीज़ों को। सो इससे बचो और सही जानकारी सही लोगों सारे लोगों तक पहुंचाओ। थैंक यू, धन्यवाद। होप आपको समझ में आया हो और आप इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा और जानकारी लें, इस योजना के बारे में थोड़ा और पढ़े, क्या है नहीं है, क्या गलत है क्या सही है। वैसे ओवरऑल बहुत अच्छी योजना है, इससे नौजवानों को रोज़गार मिलेगी, एजुकेशन की एजुकेशन मिल रही है, बहुत सारे चीज़ अच्छी सुविधाएं हैं। जो टाइम पे हम बैठे रहते थे, हमारा हमने एज क्रॉस कर दिया, और बहुत अच्छी योजना है जिससे बहुत अच्छे, अगर कोई इसका लाभ उठाना चाहे तो बहुत अच्छा लाभ उठा सकता है। तो प्लीज़ ऐसी गतिविधियों में ना पड़े जो अपने फ्यूचर को लेकर के थोड़े भी चिंतित हैं, थोड़े अपने पेरेंट्स को लेकर के चिंतित हैं कि उन्हें कुछ करना है अपने पेरेंट्स के लिए, खुद के लिए। तो प्लीज़ इन गतिविधियों में ना पड़े। वैसे धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो, सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।